हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक पंकज शर्मा जी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप एक ही साथ में वाईफाई और हॉटस्पॉट को कैसे ऑन कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो शुरू से एंड तक बने रही हमारे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, तो यहाँ पर मैं बता दूँ एक चीज़ आपको। आपको यहाँ पर सारे लोग बताए होंगे कि आपको जो है यहाँ पर एक साथ में वाईफाई और हॉटस्पॉट को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा, ऐसा मेथड बताऊँगा जिसकी मदद से आप जो है दोनों को एक ही साथ में यूज कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और आपका सारा कुछ जो है यहाँ पर 100% जो है वर्क करेगा। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो वाईफाई को कनेक्ट कर लेना अपने डिवाइस के अंदर, जैसा कि मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। तो मैं अभी इस डिवाइस से अंदर जो इस डिवाइस में वाईफाई कनेक्ट करूँगा एंड इसमें मैं हॉटस्पॉट ऑन करूँगा एंड इससे मैं इसमें जो है इंटरनेट को एक्सेस करके दिखाऊँगा एंड इसमें जो है 100% इंटरनेट वर्क करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ उस डिवाइस में, जिस डिवाइस से मुझे हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों को यूज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर वाईफाई को ऑन कर लिया हूँ एंड यहाँ पर वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हम मेरे डिवाइस के अंदर जो है यहाँ पर वाईफाई वो कनेक्ट हो चुका है। एंड उसके बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर 2 MB का एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर वो इजीली मिल जाएगा आपको। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, ये एप्लीकेशन का नाम है नेटशेयर। तो अगर आप अभी वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको आगे में कुछ भी जो यहाँ पर से समझ में नहीं आएगा और यहाँ पर जो आपका वर्क नहीं करेगा इंटरनेट। तो बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू, ताकि आपको जो है सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप पता चल पाए। जैसे यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको उस डिवाइस के अंदर आपको ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको जो है इंटरनेट का एक्सेस आपको करवाना है। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर वाईफाई को ऑन कर देता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो है ऑलरेडी कोई भी यहाँ पर से वाईफाई जो है यहाँ पर कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पर, एक मिनट मैं यहाँ पर ब्राइटनेस जो है यहाँ पर से कम कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डिवाइस के अंदर कोई भी यहाँ पर वाईफाई जो है कनेक्ट नहीं है एंड यहाँ पर कोई भी वाईफाई जो है यहाँ पर हमारा कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आप कोई भी वाईफाई कनेक्ट नहीं है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। तो उस स्मार्टफोन के भी अंदर जो आपको यहाँ पर यह एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसमें आपको हॉटस्पॉट को यूज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ तो मैं आपको यहाँ पर से दिखाता हूँ। सिंपल आपको उस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन कर देंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखेगा। आपको कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखेगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको उस डिवाइस को, जिस डिवाइस से आप वाईफाई और हॉटस्पॉट को ऑन करना चाहते हैं उस डिवाइस के अंदर आपको ये सेटिंग को पहले ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है ये वर्क करेगा। चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। इस डिवाइस के अंदर हमारा वाईफाई कनेक्ट है, आप देख सकते हैं जैसा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टार्ट वाईफाई हॉटस्पॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएटिंग ग्रुप आपको शो होगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पर WPS को ऑन कर देना है। एंड जैसे आप इसे ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको उस डिवाइस के अंदर ये सेटिंग करना पड़ेगा जिसके अंदर जो आप इसे वाईफाई को यूज करना चाहते हैं, जो कि इस डिवाइस से जो क्रिएट हुआ है हॉटस्पॉट उसका। तो आप सिंपल यहाँ पर से अगर वाईफाई से ऑन करके उसे कनेक्ट करेंगे तो आपका जो इंटरनेट का एक्सेस वह नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर जो है सेम नेम का जो है यहाँ पर से एक यहाँ पर नेटवर्क आपको दिख रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पर जो है सेम पासवर्ड को इंटर करके यहाँ पर कनेक्ट नहीं करना है, आपको कनेक्ट करना है दूसरे मेथड से ताकि आपका इंटरनेट वो एक्सेस करे। सिंपल अब आपको यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर में ऑप्शन हो रहा है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब जैसे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर से जो है वो कनेक्टिंग टू, इस तरीके से आपको नेटवर्क का नाम दिखेगा एंड यहाँ पर आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है वाईफाई वो कनेक्ट हो चुका है उसी नेटवर्क से, जिस नेटवर्क के बारे में मैं आपको भी बताया था एंड अभी आपको दिखाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वो यहाँ पर से इंटरनेट का एक्सेस भी जो यहाँ पर से ऑन हो चुका है और सारा नोटिफिकेशन जो है हमें रिसीव हो रहा है। तो इसमें जो आपको कोई भी डेटा का लॉस नहीं होगा और आप सिंपल जो है जो इंटरनेट का एक्सेस इसमें मिल रहा है वही इंटरनेट का एक्सेस आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, प्रूफ के तौर पर यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन किया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आप इंटरनेट का एक्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क वाईफाई जो है वो भी ऑन है यहाँ पर और वहाँ पर वाईफाई से हमारा नेट जो है वो कनेक्ट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।